नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली RCB के ऊपर। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को नए साल की ढेर सारी बधाइयाँ। आपके जीवन में नया साल जो है खुशियाँ लेकर आए। आप सभी नए साल पर खुश रहे, हेल्दी रहे और नए साल में नई कामयाबी हासिल करें। वहीं दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार एक ऐसा खिलाड़ी कौन सा होने वाला है बिग बैश लीग से, जिसकी कीमत IPL 2022 के ऑक्शन में काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। वो खिलाड़ी करोड़ों रुपए में बिक सकता है और RCB टीम भी एक ऐसी टीम हो सकती है जो इस खिलाड़ी के पीछे हाथ धोकर पड़ सकती है। RCB टीम मैनेजमेंट यही चाहेगी कि ये खिलाड़ी उनके स्क्वाड में शामिल हो जाए IPL 2022 के लिए, ताकि उनको एक ओपनर भी मिल जाए और उनका स्क्वाड जो है और ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो दोस्तों, इसी खिलाड़ी के बारे में हम बात करने वाले हैं। सारी जानकारी आपको आगे इस वीडियो में दूंगा, इसलिए भाइयों अगर आप भी RCB टीम के फैन हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। वहीं दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे ही डेली अपडेट्स आप तक हमेशा पहुंचते रहे। ओनली RCB के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, अगर उसे ज्वाइन नहीं किए हो तो उसे भी आज से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ भी आपको RCB टीम से जुड़ी और क्रिकेट की हर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लगातार मिलती रहेगी। तो भाइयों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, फटाफट जाइए वहाँ पर उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। IPL 2022 के लिए मेगा ऑक्शन का आयोजन जो है फेब के महीने में होगा। रिपोर्ट्स की माने तो 12 या फिर 13 फरवरी को मेगा ऑक्शन का आयोजन होने वाला है। ये दो तारीखें निकल कर आ रही हैं जहां पर मेगा ऑक्शन का आयोजन किया जाएगा। हालांकि BCCI ने अभी तक इन तारीखों पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। BCCI फाइनल डेट कब जारी करेगी इस पर अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई है। लेकिन दोस्तों, रिपोर्ट्स की माने तो फेब के महीने में ही 12 और 13 तारीख को मेगा ऑक्शन का आयोजन किया जाने वाला है। अब दोस्तों, मेगा ऑक्शन में तमाम बड़े बड़े खिलाड़ी होने वाले हैं। कई ओवरसीज प्लेयर्स होंगे, कई भारतीय खिलाड़ी होंगे, भारतीय क्रिकेट के कई डोमेस्टिक सितारे होंगे, वहीं अनकैप्ड प्लेयर्स भी काफ़ी होने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, बाकी देशों के सभी खिलाड़ी ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब ऐसे में भाइयों, हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं बिग बैश लीग में खेल रहे बेन मैकडरमॉट की। बेन मैकडरमॉट जो है ऑस्ट्रेलिया टीम के बल्लेबाज हैं और बिग बैश लीग में होबार्ट हरिकेन्स के लिए खेलते हैं। इनकी खास बात ये है कि ये ओपनिंग करते हुए बड़ी बड़ी पारियां खेलते हैं। हाल ही में इनका बैटिंग में काफ़ी जलवा देखने को मिला है, जहां पर इन्होंने बिग बैश लीग में इतिहास बनाते हुए लगातार दो मैचों में सेंचुरीज बना दी हैं। जी हाँ दोस्तों, T20 जैसे फॉर्मेट में लगातार दो मैचों में सेंचुरी लगाना कोई आसान काम नहीं है, जो कि बेन मैकडरमॉट ने करके दिखा दिया है। यही नहीं, सेंचुरी लगाकर उन्होंने अपनी टीम को जीत भी दिलाई है, यानी कि सेंचुरी जो है उनकी सक्सेसफुल चेज में आई है, जो कि ये भी एक T20 जैसे फॉर्मेट में इतिहास है। अब लगातार दो सेंचुरीज लगाने के बाद बेन मैकडरमॉट जो है काफ़ी सुर्खियों में है। IPL 2022 का ऑक्शन भी नज़दीक है, जहाँ पर ये माना जा रहा है कि मैकडरमॉट को वहाँ पर IPL ऑक्शन में करोड़ों रुपए मिल सकते हैं। RCB टीम भी उन पर नज़रें बनाए हुई है। RCB टीम को एक अच्छा ओपनर भी चाहिए, तो ऐसे में बेन मैकडरमॉट जो है RCB टीम के लिए अच्छी ओपनिंग कर सकते हैं, पारी की शुरुआत दे सकते हैं। उनकी खास बात ये भी है कि वो जब भी खेलते हैं बड़ी पारियां खेलते हैं, इनिंग्स को अच्छी तरह से बिल्ड करते हैं और बड़े बड़े शॉट्स तो खेलने के लिए वो जाने ही जाते हैं। तो दोस्तों, अगर बेन मैकडरमॉट जो है RCB टीम में आ जाते हैं तो उन्हें खेलने का मौका भी मिल सकता है। हालांकि दोस्तों, RCB टीम जो है कुछ और अच्छे एक्सपीरियंस ओपनर्स को देखना चाहेगी, चाहे वो भारतीय ही क्यों ना हो, चाहे वो विदेशी ही क्यों ना हो। डेविड वार्नर, KL राहुल जैसे बल्लेबाजों पर या फिर जॉनी ब्रेस्टो और जेसन रॉय जैसे बल्लेबाजों पर फिलहाल कोई भी अपडेट नहीं आई है कि वो नई टीम में जाएंगे या फिर ऑप्शन में रहेंगे। तो ऐसे में RCB टीम भी पहले देखेगी कि इन सभी खिलाड़ियों का क्या हाल है, उसके बाद ही वो ऐसे ओपनर्स को टारगेट करना चाहेगी। लेकिन बेन मैकडरमॉट जो RCB टीम के लिए एक अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं IPL 2022 से। तो दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही थी हमारी वीडियो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज बेन मैकडरमॉट को लेकर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।